घंटा बजा दिया इंडिया ने हमारा, आज घंटा बजा दिया उन्होंने। जो मैं एक हफ्ते से बकवास कर रहा हूं, इस टीम में वो लेवल नहीं है कि ये इंडिया से कंपीट कर सके। जिसको अबू बनाया हुआ है आपने, ये घंटे का किंग, ये सेल्फिश तीन इनिंग्स खेल के टीम पे प्रेशर डलवा के खुद भाईजान दबा हो गए हैं। पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया इन्होंने भाईजान। बाबर आजम ने आज सेल्फिश इनिंग खेली है, खत्म हो गया खेल। इंडिया ने फड़का दी है आपकी बैटिंग लाइन आपको। बहुत ही बुरी बैटिंग पाकिस्तान की जानिब से। एक बहुत ही अच्छा विकेट जहां पे 325-340 रन हो सकते थे, बट पाकिस्तान ने वो चीज़ कैपिटलाइज नहीं की। अच्छा स्टार्ट मिला रोहित शर्मा ने, मेरे नहीं ख्याल के डिसीजन अच्छा किया था बैटिंग का। हालांकि खुद बैटिंग करता तो मेरे हिसाब से इंडिया यहां पे 350 करता। बुमराह आके उसने शादाब के भी और रिजवान के भी दोनों के बिल्कुल आउट क्लास करके रख दिया साइड पे, तो कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल वन साइड में हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा। आप देखे रोहित शर्मा को बिल्कुल क्रेडिट जाता है। आप थोड़ा सा पीछे चले जाए, जिस दिन मिकी आर्थर को कॉम का बाप बनाया था ना इस नजम सेठी ने, ऑन द वे, मतलब उनके जो जो इस वक्त जो मेंटल कंडीशन है, सेंस में कि दे आर टोटली अंडर प्रेशर, दे आर नॉट होल्डिंग द नर्व्स, लगता नहीं है कि पाकिस्तान जीतेगा। साफ सीधी बात है। और ये तो खैर मैच से पहले भी ये चीज़ डिसाइड, सबको सब नहीं इंडिया को फेवरेट किया था, लेकिन यू नो इट्स नॉट द वे दैट, ठीक है मैच अगर मतलब जो भी होता है मैच से पहले आप प्रेडिक्शन वगैरह करते हैं, लेकिन इट्स द वे दे बैटेड टुडे यार, मतलब वो आई मीन अभी क्या बोलें यार, कब से ये बात चल रही है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड कप के पहले ही इनिंग्स में पाकिस्तान की टीम 191 रन पर ऑल आउट हो गई, और जहां पर अब पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम और पाकिस्तानी बैटिंग यूनिट के पीछे पड़ गई है। जहां पर पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि ये वही बाबर आजम है जो कि हमेशा सेल्फिश होकर खेलता है, हमेशा खुद के रन्स बनाता है और टीम के बारे में नहीं सोचता, इसको जल्द से जल्द कैप्टनशिप से हटाया जाए। इस तरीके से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ने परफॉर्म किया पहले इनिंग में, ऐसा लग रहा था कि उनको इंडियन बॉलर्स की बॉलिंग समझ में ही नहीं आ रही है। वहीं पर शोएब अख्तर भी पाकिस्तान की बैटिंग देखकर चौंक गए। ये वही शोएब अख्तर है जो कि मीडिया के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अगर रिजवान और बाबर आजम की बैटिंग चली तो वो भारत को उड़ा देगी। पर जिस तरीके से भारत के बॉलरों ने पाकिस्तान के बैट्समैनों को बॉलिंग की है, ऐसा लग रहा था कि कोई मिनोस खेल रहे। वहीं पर शोएब अख्तर भी अब पाकिस्तान के बैटिंग के क्रिटिक हो गए। जहां पर उनको पहले ऐसा लगता था कि पाकिस्तान की बैटिंग भारत के बॉलिंग के सामने टिक पाएगी, पर जैसे ही ताश के पत्तों की तरह पूरी पाकिस्तानी बैटिंग रह गई, अब शोएब अख्तर ने भी पाला बदल लिया और वो अब भारत की तारीफ करते नहीं थम रहे। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। मैच आपने देख लिया है, बहुत ही बुरी बैटिंग पाकिस्तान की जानिब से। एक बहुत ही अच्छा विकेट जहां पे 325-340 रन हो सकते थे, बट पाकिस्तान ने वो चीज़ कैपिटलाइज नहीं की। अच्छा स्टार्ट मिला रोहित शर्मा ने, मेरे नहीं ख्याल के डिसीजन अच्छा किया था बैटिंग का। हालांकि खुद बैटिंग करता तो मेरे हिसाब से इंडिया यहां पे 350 करता और मोर करता। बट हैविंग सेड दैट, मुझे डिसअपॉइंटेड ये लगा कि पाकिस्तान सिर्फ 4 बैट्समैनों से खेल रहा है, मिडल ऑर्डर आपके पास है नहीं। सऊद, इफ्तिखार, शादाब पे आप मिडल ऑर्डर बना के बैठे हुए हो, और फिर भी आपको एक अच्छा चांस मिल गया वहाँ पे, आपको मौका मिल गया था चले यार कि यहाँ पे आप कैपिटलाइज करके 300 रन बनाते हैं, क्योंकि 300 रन करना मुश्किल होता है यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान के किसी बैट्समैन ने कैपिटलाइज नहीं किया यहाँ पे, और वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी दैट कि पाकिस्तान ने वो शायद टैलेंट ही नहीं बैटिंग में जो बड़े स्कोर कर सके और अच्छी टीमों के खिलाफ, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ। सो डिसअपॉइंटिंग टू सी दैट 4 बैट्समैन के साथ जा रहे हैं, इंडिया 8 बैट्समैनों के साथ जा रहा है अंदर, और उनके फिर स्पिनर्स देख लें, स्पिन बॉलिंग देख लें, उनकी अमेजिंग स्पिन बॉलिंग है। उन्होंने
दबा के रखा हुआ था, कुलदीप और जडेजा ने हिलने भी नहीं दिया आपके पास। सो अगेन बड़ी टीमों के खिलाफ आपको दिखाना पड़ता है कि यार आप बड़े प्लेयर हैं। बड़े प्लेयर आप तभी बनते हैं जब आप बड़ी मैचेस में, बड़े मैचेस में बड़ी गेम लेके आते हैं। टीम में वो लेवल नहीं है कि ये इंडिया से कंपीट कर सके, जिसको अबू बनाया हुआ है आपने। ये घंटे का किंग, ये सेल्फिश तीन इनिंग्स खेल के टीम पे प्रेशर डलवा के खुद भाईजान दबा हो गए हैं। पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया इन्होंने भाईजान। बाबर आजम ने आज सेल्फिश इनिंग खेली है, खत्म हो गया खेल। इंडिया ने फड़का दी है आपकी बैटिंग लाइन आपको। फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास का घंटा बजा दिया इंडिया ने आज। घंटा बज गया आपका, घंटा बज गया आपका भाईजान। बाबर आजम ने ना जिस तरह सेल्फिश इनिंग खेली है ना, और रिजवान ने उसके बाद टीम के ऊपर प्रेशर बनाया। बाबर आजम का 18 बालू पे 24 रन था और बाबर ने अपनी 50 कंप्लीट की या 56 बालू पे। भाई कुलदीप यादव को ये आज भी नहीं खेल सका, पर घंटा बजा दिया इंडिया ने हमारा। शर्म कर लो, क्या बोलूं अब मैं इनको, क्या किधर गई आपकी क्लास, किधर गई ओडीआई की नंबर वन टीम, किधर गया सारा कुछ? अंदर बढ़ गया, खुशी मिल गई है, पता चल गया क्रिकेट में अबू कौन है, पता चल गया इंडिया से मुकाबला नहीं है, पता चल गया कि 7-0 को 7-1 नहीं करना, 7-8-0 होना है आज। किधर गई वो बाबर आजम की बातें, कहती हम इंडिया को हराएंगे, हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, ये करेंगे। घंटा बजा दिया इंडिया ने। बाबर सांस निकलो पर, और निकलो, किसी को निपाल नहीं जाने दूंगा आज मैं, किसी को निपाल नहीं जाने दूंगा। क्या निपाल के खिलाफ 150 करने वाला इंडिया के खिलाफ एक बैटिंग ट्रैक के ऊपर? और भाई बैटिंग ट्रैक थी, क्या हो गया जब खुद सामने आया डंडे वहां पे पड़े हुए, बुमराह आके उसने शादाब के भी और रिजवान के भी दोनों के बिल्कुल आउट क्लास करके रख दिया साइड पे, तो कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल वन साइड, हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को बिल्कुल क्रेडिट जाता है। आप थोड़ा सा पीछे चले जाए, जिस दिन मिकी आर्थर को कॉम का बाप बनाया था ना इस नजम सेठी ने, और जिस दिन के ऑन बोर्ड आया था जका अशरफ, ये मुल्क अगर ये बनाना रिपब्लिक नहीं है तो क्या है? इससे कोई पूछने वाला है? पूरा खानदान लेके ये वहां गया, इनसे कोई पूछने वाला है कि हम जैसे लोग जिन्होंने सिर्फ क्या किया, सच बोला, सच बोलने की ये तकलीफ है कि हमारे एक्रेडिटेशन रोक लिए जाए, सच बोलने की ये सजा है कि हमें भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाए। तो ये सच सारी जिंदगी बोला हूं, जिंदगी के अख्तितान पे हूं, आज मरूंगा कल दूसरा दिन हो जाएगा, 54 साल मेरी उम्र होने वाली है। मैं ये पूछता हूं, इस मुल्क में कोई कानून है या सिर्फ गरीबों के लिए? I'll say this much, रोहित मेड द राइट कॉल टुडे, ही पिक द राइट टीम। शुरू में मुझे थोड़ा सा वो था गया ठाकुर क्यों डाला इसने, लेकिन ही पिक द राइट 11 एंड ही मेड द राइट कॉल, क्योंकि लग रहा था कि पट्टा शुरू में पट्टा बैटिंग विकेट है, लेकिन इवेंचुअली जो सामने नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ है बॉलर्स के लिए। सो नाउ इट्स ऑल अप टू शाहीन शाह अफरीदी, इट्स अप टू हसन अली, हारिस रऊफ, ऑल दीज गाइज, दे नाउ हैव टू, मतलब इट्स नाउ अप टू द बॉलर्स, इफ दे कैन प्रोड्यूस अ मिरेकल तो फिर बिल्कुल पाकिस्तान मैच जीत सकता है। लेकिन ऑन द वे दे हैव प्लेड सो फार, ऑन द वे मतलब उनकी जो इस वक्त जो मेंटल कंडीशन है, सेंस में कि दे आर टोटली अंडर प्रेशर, दे आर नॉट होल्डिंग द नर्व्स, लगता नहीं है कि पाकिस्तान जीतेगा, साफ सीधी बात है। और ये तो खैर मैच से पहले भी ये चीज़ डिसाइड, सबको सबने ही इंडिया को फेवरेट किया था, लेकिन यू नो इट्स नॉट द वे दैट, ठीक है मैच अगर मतलब जो भी होता है मैच से पहले आप प्रेडिक्शन वगैरह करते हैं, लेकिन इट्स द वे दे बैटेड टुडे यार, मतलब वो आई मीन अभी क्या बोले यार, कब से ये बात चल रही है।